फिल्म अब बनाने का कोई इरादा सोचा है? मेरे अंदर ना तो स्टेमिना है कि फिल्म बनाई जाए, क्योंकि एक नहायत ही मुश्किल प्रोसेस है। मैं दो दफ़ा गुजरा हूँ इसमें से, तीन दफ़ा बल्कि, और मैं बिल्कुल ये तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी फिल्म ना बनाए। नहीं नहीं, फिल्म नहीं बनाए, लेकिन जो लोग फिल्म बनाते हैं, हमारे मुल्क में तनकीद करना उम्र भी बड़ा आसान काम होता है। हम लोग हर चीज़ के ऊपर तनकीद जो है उसमें तो कोई देर नहीं लगाते। बड़े बड़े लोग आजकल ये कहते फिर मुझे हुकूमत दे के देखो फिर देखो। एग्जैक्टली भाई, बंदा कहे तुझे हुकूमत क्यों दे दें, तुझे को मोहल्ले में उधार नहीं दे रहा हम तुझे। अगर अनएक्सपेक्टेडली एकदम अब्रप्टली एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि यार फ़ख्र आलम को उसकी बेहतरीन खदमात पर कौम ने डिसाइड कर लिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के, हंसो मत, हमारा मजाक ना उड़ाओ आवाम का, आवाम ने सोचा ही। तो आपका पहला खिताब एज ए प्राइम मिनिस्टर, कौमी तराना बजाना बेटा। बेटा कौमी नहीं कर रहा, तूने बजा दिया जंग वाला, जंग वो बजा इख्तिदार वाला, इख्तिदार वाला बाजा बजा। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब फख्र आलम साहब, खिताब फरमा रहे हैं कौम से, और वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आइए देखिए। प्लीज प्लीज प्राइम मिनिस्टर से समथिंग अबाउट योर नेशन एंड कंट्री। मैं अपनी पूरी कौम को अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा, लेकिन मैं एक बहुत ही अवामी और बहुत ही सिंपल इंसान हूं, और ये प्राइम मिनिस्टर मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं मुस्तैफ़ी होके आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। खातून हज़रात, जिस तरीके से ये आते के साथ ही मुस्तफ़े हुए हैं, इस्तीफ़ा दिया है, अल्लाह ताला और वज़ीर आज़मों को भी ये तौफीक अता फरमाए।